गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं हूँ सातारा सिटी में और सातारा सिटी के कास पडर में हूँ। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं कल मुंबई से निकला था और सातारा सिटी में एंटर किया था मैंने कल। तो कास पडर जाने के लिए मुझे पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज अंधेरा हो गया था, लेकिन आज हम लोग कास पडर से जस्ट 5 से 7 किलोमीटर पहले हम लोग ने होटल लिया है और यहाँ से हम लोग अभी कास पडर देखने जा रहे हैं। कास पडर सतारा सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 1200 मीटर के हाइट पे है। तो चलिए आज देखते हैं कास पडर कैसा है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, सैटरडे संडे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कल हम होटल ढूंढ ढूंढ के फाइनली ये होटल मिला था हमें और एक भी होटल खाली नहीं था। और यहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग रुके हैं यहाँ पे सिर्फ एक रूम खाली था, तो हम लोग ने फटाफट ले लिया। हमारे रूम से आप देख सकते हो, ये रूम है हमारा, ये वाला रूम है और ये ऐसे छोटे छोटे हट्स बनाए हैं। और हमारे रूम से बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हो आप। ये आगे जो आप देख रहे हो यहाँ पे डैम है और रात के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर कुछ 18-20 तक गया था, 18-20 सेल्सियस तक, और बहुत ही प्लेजेंट अच्छा माहौल था। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा कास पडर में। अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे कास पडर के। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे सब लगाए हैं और बहुत काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे भी जो जगह है वो भी इन्हीं का है। तो ये ऐसे खाली एरिया है। तो चलिए अभी डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। 8:30 बज चुके हैं और फाइनली निकले हैं हम लोग कास पठार के लिए। कास पठार का टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही रहता है। रास्ता एकदम क्लासिक है यहाँ का रास्ता। रेडी है? हाँ, ये रेडी है बोलते। तो समोर जो दिखते थे कास पठार है क्या? हाँ भाई, रेडी है ना? रेडी है ना? मेल ना लगे 5 मिनट। चल ओके, ब्रेकफास्ट हो गया और आ गए हम लोग कास पडर। 3 देना 3 किदी 500 टिकट महा गए रे जतिन। हाँ हाँ, 150 रुपीज पर पर्सन, यानी कि 450 रुपीज़ हमें देना पड़ा। मतलब थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव ही लग रहा है टिकट। कास पडर ला जाए इकड़ू नहीं खालू नहीं। बाइक बंद के लिए वरती जात नहीं? बाइक बाइक वर पार्किंग मध्य गाड़ी लावा बसने वरती। अच्छा, बस से जाना पड़ेगा। पार्किंग फ्री है, बस सर्विस फ्री है। तो फाइनली आ गए हैं कास पठार। आप देख सकते हो भीड़ कितना है। यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अलग अलग टाइप के गेट्स है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे तो नहीं जा रहे, आगे एक लेक है, हम लोग वापस पीछे जाके वहाँ पे चले जाएंगे। कुछ ऐसा कहा जाता है 850 टाइप के फ्लावर्स है यहाँ पे और सातारा सिटी का ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है।
स्वागत है आप सभी का सातारा सिटी के एक ब्यूटीफुल प्लेस से जिसका नाम है कास पठार। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में से एक है और कास पठार सातारा सिटी से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स है, कम से कम 850 स्पीसीज के अलग अलग टाइप के ये फ्लावर्स है यहाँ पे। स्पेशली सैटरडे संडे में बहुत भीड़ रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमें नए सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे। और सैटरडे संडे स्पेशली आप आओगे तो सैटरडे संडे बहुत यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप आओगे तो वीकडेज़ में आना, आपको बाइक लेके भी ऊपर आने मिलेगा। तो सैटरडे संडे आपने देखा इतना भीड़ है बाहर पार्किंग में, बाइक लगा के फिर गाड़ी से बस से उनके व्हीकल से लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही सही है और थोड़ा भीड़ है इसके लिए, नहीं तो अगर कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं रहेगा तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। 10:15 बज चुके हैं और अभी कास पठार से हम लोग निकल रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कहीं पे जाने के लिए मिल नहीं रहे, पुलिस वाले आके बार बार यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ से यहाँ जाओ कर रहे, तो हम लोग अभी यहाँ से निकल के आगे कहीं पर चलते। 2 hours later 12:30 बज गए और हम लोग फाइनली चेकआउट कर दिए हैं होटल से और यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे वाई के लिए। वाई यहाँ से 45 किलोमीटर्स है और 45 किलोमीटर्स के लिए 1 hour 10 minutes मैप पे दिखा रहा है। ओके, पेट्रोल भर के हो गया, 1000 rupees का पेट्रोल गया अभी। ऑलमोस्ट वाई में पहुंच गए, बहुत टाइम के बाद वाई आया हूँ। इसके पहले वाई कब आया था मैं, शायद से 4-5 साल पहले आया था। स्वागत है गाइस आप सबका वाई सिटी में। देखो वाई में पहुंच गए हम लोग, तो वाई में एंटर किया है और अभी सबसे पहले जाएंगे वाई का जो फेमस गणपति है वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे है सर्कल और ये सीधा सीधा गणपति मंदिर दिख रहा है। इधर सर्कल वरुण पुढ़े ये सरल खूब सरल ये पुढ़े यानी राइट मार, देख सकते हो गणपति मंदिर। ये बहुत ही वाई का बहुत ही फेमस ऐसा गणपति मंदिर है और ये कृष्णा नदी है और ये कृष्णा नदी के किनारे पे ही गणपति मंदिर है और बहुत सारे यहाँ पे शूटिंग भी होती है, आपने बहुत मूवी में देखा रहेगा ये घाट। दोस्तों फाइनली वाई के गणपति के मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हो आप। इसे वाई का गणपति या फिर ढोलिया गणपति भी बोलते हैं। ढोलिया गणपति इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो साइज़ है गणपति का ये बहुत ही बड़ा है, सो इसके वजह से इसके ढोलिया गणपति के नाम से भी जाना जाता है। ये है गणपति मंदिर और ये 1762 में राघोबा पाटिल इन्होंने पेशवा काल में बनाया था, पेशवा के समय में बनाया था और वो टाइम से ये मंदिर ऐसे ही है यहाँ पे। और अंदर जाके वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इंटरनेट से फ़ोटो निकाल के मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। ढोलिया गणपति के बाजू में ही है काशी विश्वेश्वर मंदिर और यही है काशी विश्वेश्वर मंदिर, इसके अंदर भी जाएंगे अभी हम लोग। पता नहीं यहाँ पे शूटिंग अलाउड है कि नहीं। और मंदिर के बाहर ही देखो आप कितना बड़ा नंदी है।
स्वागत है आप सभी का मेनावली गांव के नाना फडणवीस वाड़ा से। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये नाना फडणवीस वाड़ा है। नाना फडणवीस पेशवा के टाइम के एक मुख्य मंत्री थे। मराठा एम्पायर क्रिएट करने में नाना फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ था और उन्हीं का ये वाड़ा है। अंदर इसके पीछे ही मेनावली घाट है। वाड़ा के फ्रंट गेट पे ही वाड़ा के अंदर की कुछ तस्वीरें लगाई गई है। वाड़ा के एंट्रेंस पे ही आपको कुछ सुवेनियर्स मिलते हैं, खरीदने पड़ते हैं और यहाँ का स्टाफ मूढ़ी लिपि में आपके नाम को या फिर आप जो बोलेंगे वो लिख के देते हैं। ये पाउच जो मुझे है वो मुझे 250 रुपीज़ में पड़ा। फिर हम एंटर करते हैं वाड़ा के अंदर। नाना फडणवीस वाड़ा महाराष्ट्र के हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक है। ये वाड़ा मराठा साम्राज्य के प्रमुख मंत्री नाना फडणवीस का निवास स्थान था। नाना फडणवीस 18 सेंचुरी के पेशवा के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वाड़ा एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना है जिसे पेशवाकालीन शैली में बनाया गया था। इसका निर्माण 1780 के आसपास हुआ था। वाड़ा के मुख्य द्वार को महाद्वार कहते हैं। और देख सकते हो आप वाड़ा के अंदर नाना फडणवीस का पर्सनल बेड भी रखा गया है। कोई कुछ इसके साथ ना करे, इसको इसके लिए लॉक करके रखा है। वाड़ा है इसके एग्जैक्टली पीछे एक यूनिक ऐसा पेड़ है और ये पेड़ का आप फाउंडेशन देखोगे तो ये हाथी के पाँव जैसा लगता है। इसके लिए इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। पीछे के साइड है मेनावली घाट और ये मेनावली घाट भी बहुत ही पॉपुलर है। बहुत सारा मूवी का शूटिंग भी हुआ है। ये कृष्णा रिवर है और ये कृष्णा रिवर के बाजू में ही मेनावली घाट है और ये बनाया था नाना फडणवीस ने 18 सेंचुरी में। ये नाना फडणवीस वाड़ा का बैक साइड है, बैक साइड का दरवाज़ा है। तो ये था नाना फडणवीस वाड़ा और मेनावली घाट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी यहाँ से शायद से ही हम लोग कहीं पे घूमेंगे या फिर सीधा घर पे जाएंगे। बट हमें छोटे छोटे हमारे नए सब्सक्राइबर मिले। भाई आपका नाम, नाव क्या तुझा? श्रेयस। श्रेयस पूर्ण नाव? श्रेयस कदम। आणि तुझा? वेदांत नारायण सनस। वेदांत नारायण सनस। श्रेयस कदम। और अभी यहाँ पे नींबू पानी पीते और उसके बाद आगे का बाद में सोचते। बाइक का चेन बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया था तो इसके वजह से मैंने अभी लूप किया है। चेन अभी लूप किया है और टाइट भी किया है।
ये भाई ने किया। भाई नाम क्या है तुम्हारा? सुदेश। तुम कौन सा गाड़ी का करते हो? सब गाड़ी। तो कभी कभी वाई में आना तो इनसे जरूर मिलना, कुछ भी बाइक का रहेगा इनके पास जरूर आना। वाई को करते बाय बाय और यहाँ से निकलते अभी घर के लिए। अभी देखो शाम के 4:30 बज चुके हैं, घर पहुँचते पहुँचते 6-7 घंटा तो लगेगा, फिर बीच में अभी हम लोग खाना खाने भी रुकने वाले। तो इसकी वजह से यही ध्यान में रखते हुए सातारा का ये जो ट्रिप है ये यहीं पे ख़त्म करते और अभी रिटर्न जर्नी चालू करते। सो जतिन यहाँ से पीछे जाएगा ये वाले रोड पे, मैं सीधा सीधा जाऊँगा और यहाँ पे जतिन को करते बाय बाय। आपने अगर जतिन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके चैनल का नाम है अरेबियन सी राइडर और इसके वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो जतिन चलो बाय बाय, मिलते जल्दी और थैंक यू सो मच सातारा आने के लिए मेरे बोलने पे। बस यहाँ से पुणे 78 किलोमीटर है और उसके आगे और 180 किलोमीटर मुंबई पकड़ो, सो अप्रॉक्स 250-260 किलोमीटर अप्रॉक्स चलना है। और लोनावला एंटर कर रहा हूँ, वाई से यहाँ तक 141 किलोमीटर हो गया है और 8:30 बज चुके हैं। एज यूजुअल यहाँ से A1 चिक्की से चिक्की लिया, लोनावला आया है तो चिक्की तो लेना ही है। गाइस फॉग देखो, फॉग आपको कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ जलाया है और धुआं आ रहा है ऐसा लग रहा है, इतना फॉग है। अब भी जस्ट थोड़ा कम हो गया, ये देखो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो लाइट के ऊपर दिखता रहेगा, वो नीचे वापस चालू हो गया। ये देखो कितना फॉग है। फाइनली आ गया अपनी माया नगरी मुंबई में। अपने शहर में आके कुछ अलग ही टाइप का सुकून मिलता है। रात के 11 बज चुके हैं, एस्टिमेटेड टाइम वहाँ से दिखा रहा था कुछ 12-12:30 एक का बता रहा था, लेकिन 11 बजे ही हम लोग पहुँच गए। 11:15 बजे घर पे पहुंच गया था, अभी 2 बज रहे हैं रात के और 2 बजे मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने राइट के फर्स्ट पार्ट का एडिटिंग। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करना और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।